वहीं देश भर में आज हरियाली तीज मनाई जा रही है। इस बीच मथुरा वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में सुबह से ही लाखों भक्तों का जमघट लगा हुआ है। सबसे प्यारे बांके बिहारी जी का आज सोन चांदी के हिंडोले में विराजित होकर के अपने भक्तों को दर्शन दे रखे हैं। देखिए आप भी। हरियाली तीज के मौके पर विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी धाम की छटा देखते ही बन रही है। सबके प्रिय और आराध्य ठाकुर जी को आज भव्य और दिव्य पोशाक पहनाने के साथ आज के दिन खास श्रृंगार किया गया है। बांके बिहारी जी आज भक्तों को बेशकीमती स्वर्ण रजत हिंडोले में दर्शन दे रहे हैं। वृंदावन के विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा हुआ है और इस समय हम बांके बिहारी मंदिर परिसर में मौजूद है। देखिए किस तरीके से श्रद्धालुओं का जो सैलाब है बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए यहां आया हुआ है। और मंदिर परिसर की बात करें तो चारों तरफ हरियाली तीज की पर्व पर और चारों तरफ जो सजावट की गई है वो भी हरे रंग की दिखाई दे रही है। यानी हरियाली लटा चारों तरफ मंदिर परिसर में मौजूद है। लगातार जो श्रद्धालुओं को दर्शन कर रहे हैं, साल में एक बार ही बिहारी जी इस दिन स्वर्ण रजत हिंडोले में भक्तों को दर्शन देते हैं। इस पल का इंतजार श्रद्धालु करीब एक साल से लगातार करते हैं और वो पल आज आ गया और आज के दिन जो श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं वो लगातार दर्शन कर रहे हैं। अपने आराध्य के दर्शन के लिए सुबह से ही बांके बिहारी मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बुधवार सुबह 7:45 पर मंदिर के पट दर्शन के लिए खुले तो भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। हर किसी में अपने आराध्य की पहली झलक देखने की उत्सुकता थी। लंबी लाइनों में लगे भक्त अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। श्रद्धालु बांके बिहारी की भक्ति में सराबोर दिखाई दे रहे हैं। मन में आस्था और विश्वास के लिए सभी स्वर्ण रजत हिंडोले में अपने आराध्य के दर्शन के लिए ललायत है। इस बीच जिन्हें बांके बिहारी के दर्शन हो गए वो खुद को धन्य मान रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे दर्शन हैं। इसमें ठाकुर जी जुड़े जुड़ रहे हैं, बहुत आनंद का विषय है। और आज वृंदावन में अपार भीड़ है और अपार भीड़ के साथ जो हर्षोल्लास है मन में वो बहुत है ठाकुर जी के प्रति। तो आज दर्शन भी बहुत अच्छे हो रहे हैं मंदिर में, दर्शन करने को मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। उधर सभी भक्तों को ठाकुर जी के दर्शन हो सके इसको लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। मंदिर आने वाले रास्तों पर सुरक्षा का बंदोबस्त किया गया है। पुलिस के साथ साथ स्थानीय सुरक्षा कर्मी भी श्रद्धालुओं की व्यवस्था देख रहे हैं। सुगम दर्शन को लेकर मंदिर प्रशासन की तरफ से भी खास इंतजाम किए गए हैं। आज हमारे यहाँ परंपरा ये है कि ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज अपने गर्भगृह से जगमोहन में और जगमोहन से बाहर झूला झूलने के लिए अपने चौक में आके सोने के बेशकीमती दर्शन जड़ित सिंहासन पर बैठकर अपने भक्तों को आनंद देते रहते हैं। ये तैयारी हरियाली अमावस से स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद भी 2-3 दिन तक उतारने की तैयारी, क्योंकि ये बहुत बेशकीमती कम से कम 20 से 25 करोड़ रुपए का स्वर्ण झूला है जो अपने भक्तों में ठाकुर जी बैठकर आप नॉर्मल दर्शन करते हैं, लेकिन आज ठाकुर जी यूं ऊपर बैठे हुए और हर एंगल से मंदिर में दर्शन सुलभ तरीका से हो रहे हैं। हर साल सिर्फ हरियाली तीज के दिन ही बांके बिहारी स्वर्ण रजत हिंडोले में भक्तों को दर्शन देते हैं। ऐसे में आज के दिन आम से लेकर खास हर कोई बांके बिहारी के नयनाभिराम दर्शन को लेकर आतुर है। मथुरा से धराजी सरस्वत के साथ